आज हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। जो पहला वीडियो था वह हमने न्यूरोलॉजी डॉक्टर के बारे में बात की, जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर के बारे में बात की। इन दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चाहें तो देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के बारे में कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को किन किन डिसीजों में दिखाना चाहिए, क्या लक्षण आपको नजर आए तो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाह की और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। यदि आपको हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको हड्डियों में किसी प्रकार का दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, आपके कमर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है तो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको फ्रैक्चर से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको फ्रैक्चर है कहीं पर, तब भी आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपको गाउट की प्रॉब्लम है, जैसे गठिया बोलते हैं, गठिया वाई की प्रॉब्लम है, तब भी आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको यूरिक एसिड बढ़ रहा है तब भी आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है तब भी आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपकी एड़ियों में दर्द रहता है तब भी आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सेप्टिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गोनोकोक्कल आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोमोलाइसिस की प्रॉब्लम है, तब भी आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रूमा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, आपके बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपको टिटेनी डिसीज की प्रॉब्लम है, तब भी आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फीमर हेड से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपके जोड़ों में साइनल फ्लूइड की कमी आ रही है या फिर डिसबैलेंस हो रहा है तब भी आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको किसी प्रकार की ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना है या फिर फ्रैक्चर से संबंधित कोई सर्जरी कराना, आपको किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो गया है तब भी आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आपको जोड़ों में से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम है, हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को ही दिखाएं ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।